केंद्र सरकार सही ट्रैक पर चलकर अच्छा काम कर रही है, ऐसी सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए। ये कहना है शिक्षा में यौन शिक्षा के पाठ्यक्रम को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्म भूषण जैनाचार्य श्रीमत विजय रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब का। शहर की पार्श्व प्रधान पाठशाला में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में राष्ट्र संत ने एक उदाहरण के माध्यम से सरकार की स्थिति बताते हुए कहा कि आपके पास सबसे महंगी BMW कार है, आपको लगता है कि आप उस कार को चलाकर तेजी से अपना सफर तय कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप कार की ड्राइवर सीट पर बैठते हैं और कार को चलाना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि सड़कों पर गड्ढे हैं और इस कारण आपकी रफ्तार धीमी हो जाती है। अभी वर्तमान सरकार की स्थिति भी ठीक वैसी ही है, इसलिए गड्ढे भरने में जुटी है। संत श्री ने इस दौरान बताया कि 2007 से ये पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल करने की तैयारी हो गई थी, लेकिन मैंने 2006 में राज्यसभा में याचिका लगाकर इसका विरोध किया और जन जागरण शुरू किया। 3.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद सदन में मेरी याचिका पर फैसला आया और यह तय हुआ कि पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के तहत संत श्री ने मांस निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी और मंदिर के दान पात्र पर वसूले जाने वाले टैक्स को लेकर भी याचिका दायर कर रखी है। उनके प्रयासों के चलते ही 2 वर्ष पूर्व सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया है। आइए समसामाजिक विषयों पर जानते हैं संत श्री के विचार। आपको पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं रेप का समाचार मिले, मैं ये तो नहीं कहूंगा रेप का प्रसंग मत चापो, मगर एक काम करो, रेप करने वाले का अब नाम लिखो, कोई विरोध नहीं है, प्लीज मे बी पॉसिबल इनके पिताजी का नाम मत लिखो। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ बालिका का नाम भी नहीं छापते, पहचान भी छापते हैं, ये वहाँ रेपिस्ट के पिताजी का नाम भी छापता है ना, इनके घर में इनकी बहन भी है, इनका परिवार भी है, शायद इनकी बहन शालीन होने के बावजूद भी कहाँ जाएगी। और छत्तीसगढ़ में पत्रकारों ने ये स्वीकार कर लिया हमारा से, रेपिस्ट का नाम तुम्हारी जो इच्छा है, मगर मे बी पॉसिबल इफ पॉसिबल इनके पिताजी का इनके परिवार का नाम लिखो, क्योंकि पूरा परिवार जिंदगी पर तक नहीं आएगा, अपराध नहीं किया होगा, तो ये थोड़ा मेरा सुझाव सही पॉसिबल नहीं पॉसिबल, मगर वो पत्रकार ने स्वीकार कर लिया है। हमारे सभी आपकी बात सही है, हम अभी से ये कंड बनाते हैं कि एवरेज हम ये प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे। आप आनंद आया, आप आए आपको फटा हुआ दूध मिलेगा, आप दूध को पानी दे रहे हो आपको पतला दूध मिलेगा, आप दूध को शक्कर दे रहे हो आपको मीठा दूध मिलेगा, और दूध को आप जामुन दे रहे हो आपको दही मिलेगा। आउटपुट दूध से क्या मिलेगा, इनका जवाब है इनपुट में आप दूध को क्या दे रहे हो, बराबर। अब सीधा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी से, इस समाज से, इस राष्ट्र से मुझे और आपको क्या मिलेगा, इनका सीधा जवाब है हम इनको क्या दे रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग टू देम, कोई अलग बात नहीं बनेगी ना। आप नींबू जो आपको नहीं मिलेगा वो तो नॉट पॉसिबल, आप जो देते वही मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या सेटिस्फेक्शन है कि वी आर गिविंग टू देम, आप ही बता, ऐसा माहौल आपको लगता है क्या? आप मुझे चैलेंज करना जो आपके मन में है, तो दुर्जन यदि सज्जन बनना बन सके ऐसा माहौल ही नहीं है, और एक बार जो सज्जन बन चुका उसको सज्जनता टिकाए जाए वो भी यदि डिफिकल्टी है, देन व्हाट वी विश फ्रॉम दिस नेशन, आप ही बताओ कि हम क्या चाहते हैं। आज को सभी को मिल गया, 2007 से पूरे हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन इम्प्लीमेंट होने जा रहा था फ्रॉम KG, सेक्स एजुकेशन भी स्टार्ट फ्रॉम किंडरगार्टन, और उसी चीज़ को लेकर के मैंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई, नो वन विज विथ मी, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था, बड़ी मुश्किल से सिलेबस मैंने मंगवाया, इट वॉज नॉट मैं वही तो आपको कहना चाहूँगा ना, सेक्स एजुकेशन किन्नर गार्डन से शुरू होने जा रहा था, उनको लिख कर के मैंने जब सिलेबस मंगवाया
आप शादीशुदा हो तो भी एक लाइन पढ़ नहीं सकते। मैंने सोनिया जी को सिलेबस जब भी कहा तो मैडम ने कहा हमारा समय सिलेबस बंद करो, आई कांट सी। मैं बोला मैडम आप देख नहीं सकते हो, 15 करोड़ बच्चे को यही तो पढ़ाना है। एक लाइन यदि सोनिया गांधी पढ़ नहीं सकती थी वो सिलेबस आपके छोटे बेटे को पढ़ाना था स्कूल में, फ्रॉम किन्नर गार्डन टू MBA तक। और उसको लेकर के मैंने हर कम्युनिटी वाले को बोला, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, पारसी समाज, पटेल समाज, सभी को, ब्यूरोक्रेसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुप्रीम के चीफ जस्टिस, शासक पक्ष, विपक्ष, सभी को मैंने इकट्ठा करके ये सिलेबस दिखाया कि आपको लगता है कि ये सिलेबस आपके बेटे को आगे ले जाएगा। अडवाणी ने ना बोला, सुषमा स्वराज ने ना बोला, राहुल गांधी ने मुझे ना बोला, वो टाइम HRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या माहौल था जब मैं अर्जुन सिंह को मिला, आपका ये कहना था आई डोंट नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस सिलेबस। एक HRD मिनिस्टर का लीडर ये कहता है कि आई डोंट नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस सिलेबस, ये सिलेबस आया था यूनिसेफ से, यहाँ का सिलेबस नहीं था, वो आया था सीधा यूनिसेफ से। और आखिर CBSE के चेयरमैन बाला सुब्रमण्यम को मैंने पूछा आपने ऐसे सिलेबस पर साइन कैसे कर दी, उसने बोला महाराज साहब मैंने कौन से सिलेबस पर साइन किए आई डोंट नो। और मैं आपको कहना चाहूँगा सेक्स इज द नॉट जस्ट सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, टाइम एंड नेचर विल टीच एवरीथिंग। आपको पूछना आपने अपने से किसी ने लिया है क्या? इसी को लेकर तो मैंने राज्यसभा में पिटीशन एडमिट की, मैंने खुद मेरे नाम से, और संसद की एनएक्सी में पिटीशन कमेटी के समक्ष एक बार, तीन बार, दो बार, तीन बार सभी के सामने वक्तव्य देने के लिए उन लोगों ने मेरे साथ बहुत डिबेट कर दिया। ये क्यों नहीं होना चाहिए मामला, आप जवाब दो मेरा। और एक ही पिटीशन को लेकर के 3.5 साल तक राज्यसभा में सुप्रीम के चीफ जस्टिस को सबके साथ लेकर के आखिर पिटीशन कमेटी के चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने एक लाइन में डिसीजन दे दिया, नो सेक्स एजुकेशन रिक्वायरमेंट इन इंडिया, और बात खत्म हो गई। आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मल्टीनेशनल कंपनी को ये बहुत बड़ा बाजार चाहिए था इंडिया, और उनको लेकर के ये एजुकेशन लाने का प्रयास था। इसमें आप सवाल किस पे उठा रहे हैं, सरकार पे या इसको एडमिट करना? किसी पर नहीं, ये एजुकेशन। अब ये वर्तमान में ये लागू हो रहा है नहीं, ये कब उठाया था? ये 2007 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा था जी। मैं दिल्ली पहुंचा 2006 में जी, और तब मैंने बॉक्स आइटम में ये पढ़ा, मुझे मालूम भी नहीं। और आप सोच सकते हो कि सोनिया ने ना बोली, राहुल ने ना बोली, अडवाणी ने, सुषमा ने, सबने देखा क्या रहा है हमारा से। नहीं, जो पिटीशन का डिस्पोजल हुआ जो आपने बताया, वेंकैया नायडू ने, नायडू जी ने जो डिस्पोजल किया वो कब किया था? बस 3.5 साल के बाद 2007 में इम्प्लीमेंट होने जा रहा था, मगर मैंने पिटीशन एडमिट की, माने रुक गए जी। जी उन लोगों का तो जैसे जब तक डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक तो तुम एक आदमी ने बीच में जैसे आपकी भाषा में स्टे आ जाता है ना, जी, जी। तो मैंने वो पिटीशन कमेटी लगा दी थी तो रोक दिया, और रोकने के बाद ये हो गया कि ये एजुकेशन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बताऊँ, ये डाटा है मेरे पास, ब्रिटेन में हर स्कूल में एबॉर्शन केंद्र खुल गए, हर स्कूल में एबॉर्शन केंद्र खुल गए। और ब्रिटेन ने कानून पास किया है कि किसी भी लड़की को एबॉर्शन कराना है माता पिता की सम्मति की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एबॉर्शन करा सकते हो विदाउट माँ बाप की परमिशन। और एक साल में 10,000 एबॉर्शन ब्रिटेन के स्कूल में हो रहे हैं। ये मैं पूरा डेप में गया, पिटीशन कमेटी एक बार समझ लो, मैं कोई साधु था इसलिए मेरी बात नहीं मानी है, मेरा इमोशनल बैकग्राउंड था इसलिए नहीं मानी, सब लॉजिकली मैंने प्रूव कर दिया कि किसी भी हिसाब से एजुकेशन इस देश के कल्चर को ख़त्म कर देगा तब। और एक बार बताऊं, आप तो एडवांस टेक्नोलॉजी जानते हो, कभी मन हो तो बैड टीचर्स वेबसाइट निकाल देना, बैड टीचर्स वेबसाइट। अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, इसराइल, कहीं भी जहां भी सेक्स एजुकेशन चलता है वहां करीबन 1,000 टीचर्स ने अपने क्लास की एक एक लड़की के साथ 5-5 बार सेक्स मनाया था। होम के हिसाब से सब टीचर
जेल में बैठे थे उनका फोटोग्राफ है, कितनी सजा है, क्या किया था, सब कुछ है। महाराज साहब इतने समय के बाद आज मतलब ये बगदाद फिर से आप अगर बात कर रहे हैं, एजुकेशन का हो ही नहीं सकता। ये सरस्वती मंदिर है, सेक्स मंदिर नहीं है। क्या तुम छोटे बेटे को क्या समझाना चाहते हो? आपने आपको ही पहले पूछा ना कि नहीं है ना, अपने टाइम पे सब कुछ समझ में ही जाता है। जी, जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसका एक वातावरण बना था, वो आपसे 5-7 साल पहले समाप्त हो चुका है। वो अभी ये कहना चाहिए कि पत्रकारिता की भाषा में ये है कि ये आपका जो सब्जेक्ट है अभी सामयिक नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता जब दिल्ली गया था ये काम करने, मैं आपको वो कहना चाहता हूँ ये मैंने इश्यू क्यों उठाया, क्योंकि पूरे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ करियर की बातें, नॉट ए सिंगल लेसन ऑफ कैरेक्टर। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, निकाल दो ना तुम एक तो लेसन दिखा दो कैरेक्टर का। और आपने इंग्लिश में सुना होगा ना, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। दिखाओ एजुकेशन में इंडिया के एक भी लेसन दिखाओ कि कैरेक्टर का नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट, वाई नॉट। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़े क्राइम के केस करने वाले नीरज सर की साक्षर है? इस इवेंट के बाद में ये तो आपकी बहुत बड़ी कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस रही है, अब नेक्स्ट आपका कोई इशू है जिसको लेके आप काम करना चाहते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ कि व्हाट यू विश टू गिव देम, मैं कोई आरोप नहीं करना चाहता हूँ, हम डिबेट करते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ 10 साल पहले आप जिस मीडिया में थे वो मीडिया का ग्राउंड और अभी का ग्राउंड, आपको लगता है कि यू आर सेटिस्फाइड? बिल्कुल जी, वी कैन से इट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर लाइफ। आई डोंट मिस द व्हाट फार फ्यूचर, व्हाट इज दिस इवेंट इन योर लाइफ, व्हाट आई वुड लाइक टू गिव से टू यू व्हाट यू आर गिविंग नाउ। मैं आपको ये कहना चाहूँ 10 साल पहले आपने जो दिया था समाज को आपका वही है अभी मीडिया में देने का काम। मैं किसी को और नहीं पूछना चाहता हूँ, आप क्यों ये सबको देना चाहते हैं? और एक बार बताऊँ, ये मेरे मुझे बोलते दिल्ली के पत्रकार बहुत पत्रकार पढ़ता गिरी TRP। मैं बोला आप ये काम करो ना, ये पब्लिक डिमांड ये है कि तुम देते हो, इसलिए डिमांड पैदा हुई है। और तो फिर आप ये मानते हो कि पब्लिक डिमांड यही, तो फिर प्लेबॉय चलाओ ना, ये छोड़ दो सब, TRP पब मिल जाएगी। एक माँ होती ना अपना बेटा जो चाहता है, मैं एक मिनट, एक माँ अपने बेटे को जो चाहती है ना वो नहीं देती है, बेटे के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ नहीं देती है। डायरिया हो चुका है और बेटा चाहता है मुझे दूध दो, माँ नहीं देगी बेटा, कितना भी रोएगा तो माँ बोलेगी बेटा मैं दे सकती हूँ मगर तेरे स्वास्थ्य को खत्म कर देगा। ये पब्लिक जो चाहती है वो आपको देना है, या पब्लिक के जीवन को बनाने के लिए जो उचित है वो देना है। करंट टॉपिक पे आइए, मतलब हमारा ये दिस इज द करंट टॉपिक। आपको मैं अभी पूछना चाहता हूं, व्हाट यू आर गिविंग नाउ एट एट प्रेजेंट, व्हाट वही हम आपसे चाह रहे थे, मैं वही तो कहना, इस टॉपिक को अपन क्लोज करें। कहना ये अभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे सेक्सी स्त्री कौन है वो बॉक्स आइटम में आता है, पूरे हिंदुस्तान में कोई पवित्र स्त्री कौन है क्योंकि सर्वे आया तुम्हें, ये करंट टॉपिक में बताना चाहता हूं। ये था कभी हिंदुस्तान में सबसे सेक्सी स्त्री कौन, वो समाज को दिखाना ये जरूरी था। व्हाई यू आर गिविंग दिस, 150 साल में 150 साल में भी झांसी की रानी पैदा नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 500 छोटे बेटे के बीच में जो मैच्योर भी नहीं था, एडल्ट भी नहीं, उन बच्चे के बीच में मेरा प्रवचन था, अनमोल था। और बेटे को मैंने पूछा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में आपने कोई टीचर के पेट नाम रखे हो तो बोलो। और लड़के ने बोला उसामा बिन लादेन, हिटलर, ऐश्वर्या राय, चंगेज खान, औरंगाबाद। मैं आपको, आप शायद कमेंट मानते हो, मैं आपको बताऊं, एक लड़के ने नहीं बोला भगत सिंह, एक लड़के ने बोला झांसी रानी, एक लड़के ने बोला नहीं विवेकानंद, वाई दिस? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये मैंने जब HRD मिनिस्टर को बात बताई, स्मृति ईरानी को मैंने बात बताई, मेरा CBSE पत्र व्यवहार चला है कि मॉरल की बात आप क्यों नहीं करना क्यों चाहते। मैं ये नहीं कहता हूँ रिलीजन की बात, मॉरल की बात, ये नहीं बोलता हूँ कि जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं, मगर मॉरल कल्चर की थोड़ी तो बात करो। जिस बेटे को तुम आगे ले जाना चाहते हो उस बेटे के पास मॉरल की कोई बात ही नहीं। गुरुदेव मैं यहाँ पे एक बात करना, एक बात, किसी भी संत से क्लास बच जाता है, मास को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की, क्लास और मास के बीच में बहुत फर्क है। ये एजुकेशन सिस्टम तो मैं नहीं बना सकता हूँ, अब फ्रॉम KG टू लेकर यदि एजुकेशन तुम देना शुरू हो गया होता
क्या संत कर सकते, और आपको भी बताऊँ आपके खुद के बेटे को तुम नहीं चाहते कि एजुकेशन में दूँ मगर यू आर बाउंड क्योंकि सिलेबस में ही है, पास नहीं होगा बेटा, आपका खुद का बेटा चाहेगा या तो आप खुद चाहेंगे महाराज से मेरे बेटे को ये गंदगी नहीं पटाना चाहता हूँ बट यू आर बाउंड क्योंकि ड्यू टू सिलेबस कंपल्सरी। नहीं अगर मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा ऐसा कुछ होगा तो आप एक दो नहीं हो सकते क्लास बढ़े। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चीजें देखने में आई है या सुनने में आई है तमाम माध्यमों से कि अधिकांश जो बड़े मामले जो बड़े इश्यूज हुए चाहे दाती महाराज का हो या आशाराम जी का, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या मैं बताऊं एवरेज आपको हमेशा इसी चीज को तुम फोकस करते हो बट आई वुड आस्क यू एवरेज आपकी मानसिकता है किसी भी चीज का एवरेज निकालना पड़ता है। व्यापारी दो तीन बदमाश होते हैं इनकार देंगे पूरे व्यापारी समाज में कोई दो तीन लोगों को लेकर के तुम ये पूरी संत संस्था को नहीं, मैं बोलूँगा कि महाराज अगर जैसे दो तीन लोग आप बोले तो ये उपदेशक भी तो दो तीन लोग ही होते हैं जिनको जिनके पीछे हजारों लोगों की संख्या होती है। मैं किसी का बचाव नहीं करता मगर पहले मैं ये कहना चाहता हूँ मैं आपको पहले पूछना चाहता हूँ कि आपका तो अब यू आर टू इंडिपेंडेंट वॉट यू आर गिविंग टू नेशन। चलो ना ये छोड़ो ना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को बात करके जो चीज़ आपके हाथ में है वो आप क्या दे रहे हो वो जवाब दो ना मुझे। मेरा फॉलोअर्स 1 लाख है शायद, आपका फॉलोअर्स करोड़ों लोगों में, सत्ता को लेकर 1 करोड़ 20 लाख की व्यवस्था होती है, एजुकेशन को लेकर 50 करोड़ की व्यवस्था होती है, उनकी तो बात करो तुम। गुरु जी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में संत भैयू जी महाराज मेरा सवाल आप समझिए मेरा, आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि संत हुए तो भैयू जी महाराज उन्होंने सुसाइड की आत्महत्या की जो दूसरों को दिशा देने और समाज को मार्गदर्शन देने की जो बात कर रहे थे और स्वयं अपने जीवन से ही निराश और हताश हो गए। अरे मैं किसी का बचाव नहीं करता हूं, मगर मैं उसके ऊपर आप कुछ मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं ये कमेंट करना चाहता हूं सत्ता शिक्षा और मीडिया जो करोड़ों लोग जिनके पीछे फॉलो करते वो क्या कह रहे हैं अब इंडिविजुअल व्यक्ति को क्यों लेकर के बैठे हुए। नहीं आपने जिस क्षेत्र की बात करी हो सकता है कि संत समाज का क्षेत्र भी खराब हो रहा है तो नहीं मैं आपको जो कहना चाहता हूँ पहले ये बताओ सत्ता जब इनके पास इतनी बड़ी ताकत है why they are not giving, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीट एक्सपोर्ट जो हो रहा है मैं सत्ता की बात करना चाहता हूँ। मीट एक्सपोर्ट करने वाले को 13 प्रकार की सब्सिडी गवर्नमेंट की ओर से मिली है, दे आर गिविंग द 13 टाइप्स ऑफ सब्सिडीज टू मीट एक्सपोर्टर। ओके वाई मैंने उनके लेकर के पिटीशन लगाई है और ये पिटीशन में मुस्लिम समाज मेरे साथ है। आपको मालूम तो बताऊँ कि चैरिटेबल ट्रस्ट के एनुअल में डोनेशन पर 30% टैक्स है। मैं रिपीट करना चाहूँगा किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट पे आपको एनुअल में डोनेशन मिला माने दान पेटी में आपने 100 रुपया डाला तो 30 रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स डाला। जब सोनिया गांधी को मैं मिला तब मैंने आपको पूछा कि पशु को काटने वाले को आप 13 प्रकार की सब्सिडी दे रहे हो और पशु को बचाने वाले के तुमने पेनल्टी लगा दी है 30 रुपया। भाई ये काटने वाले को 13 प्रकार की सब्सिडी दे रहे हो, जल सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इलेक्ट्रिक सब्सिडी, माने 100 रुपये का पशु 500 रुपये और जो पशु को बचा दे गौशाला पांजरा बोल उसमें आपने ये कहा कि आपको जो डोनेशन मिलेगा इसमें से 30 रुपया गवर्नमेंट को दो। देयर नो आंसर हियर, देयर नॉट गिव मी आंसर और उनको लेकर के मैंने पिटीशन एडमिट किया। अभी अभी ये जो पिटीशन आपकी एडमिट हुई है ये अभी किस स्थिति में है? ये पिटीशन कमिटी ने रिपोर्ट दिया है कि 13 प्रकार की सब्सिडी मीट एक्सपोर्ट को कैंसिल करो और अभी से पूरे हिंदुस्तान में एक भी नया स्लॉटर हाउस बात कर रहे हो आप सोनिया जी से बात करने की बात कर रहे हो GST अभी लागू हुआ है सोनिया जी मतलब कब की बात कर रहे हैं आप? अभी अभी 13 प्रकार की सब्सिडी अभी चल रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ अभी 13 प्रकार की सब्सिडी मीट एक्सपोर्ट करने वाले को मिल रही है अभी भी। हाँ अभी भी मैं प्रेजेंट की बात करना चाहता हूँ और आज भी पोर्नोग्राफी वेबसाइट चल रही है चाइल्ड पोर्नोग्राफी उन पर भी मैंने पिटीशन की थी। मैं सिर्फ कोई एग्रेशन नहीं बट मैं पूछना चाहता हूँ हम किस माहौल को बनाना चाहते हैं क्या बन रहा है आप एक बार बताऊँ स्त्री समानता की बात चल रही है स्त्री सम्मान की बात क्यों नहीं चलती है? स्त्री समान और स्त्री सम्मान बहुत बड़ा फर्क है इसकी फिर वही बात हो जाएगी बात आती है सिर्फ हम धर्म में बताऊं धर्म को धर्म नहीं है ऐसा सोच के चलो तो सत्ता शिक्षा मीडिया तीन तो है जिसके बिन सांप्रदायिक है वहाँ धर्म की तो बात नहीं है जैन मुस्लिम कोई भी धर्म नहीं ये तो सब न्यूट्रल है
सत्ता में तो धर्म नहीं है, शिक्षा में भी धर्म नहीं है और मीडिया में भी धर्म नहीं है। गुरुदेव घर की शिक्षा मान्य नहीं रखती क्या? हाँ? जीवन में घर की शिक्षा सबसे पहला, नहीं। सबसे पहली बात बताऊं, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर एंड कंपनी सबसे बड़ी ताकत रखती है। मैं शायद आपको कितना भी अच्छी शिक्षा दी मगर एटमॉस्फियर मैंने गलत खड़ा कर दिया और मेरी कंपनी मैंने गलत कर दी तो कोई मेरी शिक्षा इंडिविजुअल 1-2% को काम करती, बाकी नहीं काम करती। एक बार बताऊँ, पानी चाहे गटर का हो या गंगा का हो, ढलान के आगे उनको नीचे उतरना ही होता। ये गंगा का पानी ये नहीं बोलेगा कि मैं इतना पवित्र था, मगर ढलान के बाद पानी गया तो पानी उनको भी उतरना है। अभी वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है देश में उसके कामों से आपकी जो अपेक्षा है? मैं तो एक बात करना चाहूँगा, मेरे मन में जो तीन भाव है, शिक्षा में करियर के साथ कैरेक्टर आ जाए, वन, सत्ता में इन लोगों के पास क्रिया शक्ति है साथ में इच्छा शक्ति आ जाए। वी कैन विश बट वी कांट डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग बट दे डोंट विश। संतों की इच्छा शक्ति और शासकों की क्रिया शक्ति दोनों ही का जाए। मुझे भी सत्ता में, मैं दिल्ली में गया तब सत्ता के लिए गया। मेरा वही सवाल था, क्योंकि चार सालों में ऐसा कुछ लगा आपको कि ऐसा कुछ हुआ है या कम हुआ है? बहुत कुछ, बहुत सही ट्रैक पे गाड़ी जा रही है, सही ट्रैक पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब दिल्ली में रहे, आप इनको प्लस माइनस मिलो आपकी मर्जी की बात, मगर 11.5% मीट एक्सपोर्ट कम हुआ। आपने तो कुछ और कहते हैं, क्या हुआ? सरकारी आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। नहीं, वो चाहे कुछ भी, मैं आपको अभी मेरे पास है नहीं, बाकी मैं आपको गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो तो कुछ मैं गवर्नमेंट के आंकड़े की बात करता हूँ, आपको 2-3 दिन में भेज सकता हूँ। गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन के आंकड़े ये बता रहे हैं, मीट की कारोबार पर बढ़ा है। मैं आपको आपको वही भेज दूंगा, 2 ही दिन मुझे दे दो, मैं आपको भेज दूंगा। गवर्नमेंट का मेरे पास तो कुछ नहीं है, मगर इलेवन भाई इंडिया का नंबर एक्सपोर्ट करने नंबर 1 था, आज नंबर 2 पे आ गया। गुरुजी आपने बोला कि सत्ता सही ट्रैक पर जा रही है, इसके अभी आप बोल रहे हैं कि सत्ता सही ट्रैक पर जा रही है, इसके क्रेडिट क्या नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं आप? मैं किसी भी, एक बात बताऊं, कोई भी मैच कोई कैप्टन जीतता है वो टीम के हिसाब से जीतता है, अकेला कैप्टन कोई मैच नहीं जीतता, मैं भी नहीं जीत सकता। जब कैप्टनशिप वो कैप्टन की बात अलग होती है, वो लीडिंग करता है। अगले साल फिर इलेक्शन होना है पूरे देश के अंदर, तो क्या आप क्या मानते हैं कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँ जाऊँगा, मैं ये बोलता हूँ कि इस देश की जो धरोहर थी, मैं आपको नहीं मौका मिलना चाहिए कि आपने कहा कि सरकार सही ट्रैक पर है, अगर सही ट्रैक पर है तो क्या अगले इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए सरकार को? 6 महीने के पहले नरेंद्र भाई से मेरी बात हुई थी और नरेंद्र भाई को मैंने इतना कहा कि जहाँ जहाँ भी आग लगती है वहाँ फायर ब्रिगेड बन के पहुँच जाते हो और एक आनंद है कि आपको बुझाने का प्रयास करो। आपने मुझे सिर्फ इतना ही कमाना से आशीर्वाद आपसे इतना चाहता हूँ, आग जहाँ लगती है वहाँ बुझाने के लिए मैं पहुँच जाता हूँ, वो आशीर्वाद नहीं चाहता हूँ, आशीर्वाद आपसे ही चाहता हूँ, आग कहीं लगे ही। ये इनका मन का भाव था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरी BMW की गाड़ी है, अब मानते होंगे टॉप गियर में वो गाड़ी पहुँच सकती है, नॉट मेरे पास ड्राइविंग सीट, मैं वो टॉप गाड़ी में बैठा हूँ, मगर जब मैं गाड़ी पर बैठा हूँ तब मुझे पता चला रास्ते में खड्डे बहुत, तो टॉप गियर की गाड़ी चलाने का मेरा ख्वाब, जब तक ये खड्डे क्लियर नहीं होंगे तब मैं अपने आप से भाग नहीं पाऊँगा। मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ मगर मुझे भी ये दुविधा का मुझे भी तो सामना करना पड़ता है, बट आई विश कि मैं बहुत कुछ कर दूँ, नहीं कर सकता। मेरा सवाल वही था गुरुदेव कि क्या गड्ढे भरने के लिए फिर मौका मिले? अच्छा कार्य करती है उनको मौका मिलना ही चाहिए। मैं पास्ट की बात नहीं करना चाहता हूँ, एट प्रेजेंट। नंबर 1 परिवार व्यवस्था, परिवार व्यवस्था। नंबर 2 भारतीय महिला और नंबर 3 भारतीय संस्कृति, संस्कार नहीं संस्कृति। एक परिवार के संस्कार होते और देश की संस्कृति होती है। भारतीय परिवार व्यवस्था, भारतीय महिला और भारतीय संस्कृति। मैंने जो किताब लिखी, ये किताब अलग अलग सब्जेक्ट में, ये केंद्र में फोकस रहा है। मेरी एक किताब 2 कदम 20 मिनट से स्मरण की और माता और पिता की, जो ओल्ड एज आश्रम में लड़के अपने माँ बाप को भेज रहे हैं,
यही किताब को पढ़ करके 400 बेटे ने अपने माता पिता को ओल्ड एज आश्रम से वापस करके ले गया। कहीं इतनी बड़ी जगह पब्लिक को इकट्ठा करना तो बिठाने की भी जगह चाहिए, ये उपाय से तो मिल जाता है मगर इतना बड़ा ग्राउंड नहीं मिल रहा था। वो लोग पूरे ग्राउंड के प्रयास में लगे, बड़नगर का निश्चित हुआ और दूसरे दिन उनका ग्राउंड का कंकड़ मिशन आया। वो रोने लगे कि हमारे अपने सफाई से, और बड़नगर का 6 साल से आग्रह था कि एक बार आप आओ इस गांव में। एक बार जो मतलब छोटा बड़ा गांव के मन मायना नहीं रखता है, कहीं भी जाना है, क्राउड जो भी मिला वो कोई दिमाग में वो नहीं 200 मिला कि 500 मिला, मजा ही मजा। रात को 10:10 पर राजनाथ जी का फोन है, मैं तो 9:30 सो जाता हूँ, मुझे दूर दूर तक पता नहीं था कि इनके लिए गवर्नमेंट सोच सकती है, मगर उसने बोला कि आपको ये उपाधि देने का गवर्नमेंट ने तय किया है। मैं सो गया और सुबह एक मुनि जीवन की जो उपाधि मिली है ना उससे सामने ये सब उपाधि बहुत छोटी है, मगर एक बात है कि ये उपाधि को लेकर के मुझे जो और काम करने हैं वो काम करने में बहुत अच्छी सुविधा बनी रही है। शासन के सामने कोई भी बात को बहुत बड़े स्तर पर रख सकते, मैं रख सकता हूँ और रखने का प्रयास अभी मेरा शुरू भी हो चुका है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। समाज सुधार जो आपने जो बात कही अभी संस्कृति की, उसको किस स्तर पे आप अपने, मैं फिर से बताऊँ समाज सुधार संस्कृति की जो आपने इसको लेके कोई संस्कार केंद्र या इस तरह के जो आपका ट्रस्ट है उसके माध्यम से कोई जगह जगह कोई समाज का बड़ा चीज मिल जाए। एक छोटी बात करता हूँ, क्या हो सकता है, एक नंबर एक है, मैं भी राइट टाइम खत्म कर दूंगा। नंबर एक है गर्भ संस्कार, पेट में बच्चा हो हम तो ये मानते ही है कि वहाँ से संस्कार की शुरुआत हो जाती है। नंबर एक है गर्भ संस्कार, नंबर दो है गृह संस्कार। गर्भ में जो संस्कार मिले, बेटे का जन्म हुआ और घर में ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, नंबर दो है गृह संस्कार, नंबर तीन है वर्ग संस्कार माने क्लास, नंबर एक गर्भ संस्कार, नंबर दो गृह संस्कार, नंबर तीन वर्ग संस्कार और नंबर चार पे आता है धर्म संस्कार। वी आर ऑन द फर्स्ट स्टेज। आप गर्भ में भी बिगाड़ सकते हो, घर में भी बिगाड़ सकते हो और वर्ग में भी बिगाड़ सकते हो, यदि तीनों में तुमने सही मार्ग पे लगा फिर हमारा काम तो बहुत छोटा रहता है ना। तो गर्भ में संस्कार क्या मिल रहा है, गृह में संस्कार क्या मिल रहे और वर्ग में संस्कार क्या मिल रहे, ये बड़ी वेदना की बात पब्लिक के विषय में बोलता हूँ। अब ये शुरू करो, गर्भ संस्कार शुरू करो। हमारे वहाँ वो था शिवाजी को, जीजी भाई ने गर्भ से ही सब रामायण पढ़ाई थी शिवाजी को गर्भ से ही। तो एक समय था हमारे वहाँ गर्भ संस्कार की बात चलती थी, गृह संस्कार की बात चलती थी, वर्ग संस्कार था और धर्म संस्कार था। एक ही मिनट में आपको बताऊं, मैं पहली क्लास में था, आपको 71 नाउ ऑन द 6th एज, मैं जिस क्लास में बैठा था मैथ्स के टीचर ने इतना बताया 2+2=4। सर बोलो इसमें आप और मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकते ना कि 3 क्यों 5 नहीं क्यों, यूनिवर्सल। फिर भी मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, उसने पूछा कि टीचर 3 नहीं होता 5 होता है क्यों। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, राहुल को जब मैंने किया और स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर को मैं जब कहा वो सचमुच हैरान था। ये टीचर ने जो जवाब दिया, टीचर ने वो टाइप कि तेरा प्रश्न बहुत बढ़िया है, तूने जो पूछा वो प्रश्न इतना अच्छा है कि मैं तुझे जवाब देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में तुझे बड़ा होगा ना तो मेरी उम्र में होगा, तुझे भी पैसा कहीं लेना पड़ेगा और पैसा कहीं देना पड़ेगा। तो किसी से जब पैसा लेना हो तब तू 2 और 2 5 न ले ले इसलिए 4 होता है, और देने का होता है तो 2 और 2 3 न दे इसलिए 4 होता है। आपको नहीं लगता ये ताकत, ये 2 और 2 4 वो शिक्षा थी और 3 और 5 नहीं होते वो संस्कार। मैं चाहता हूँ शिक्षा के दूध में संस्कार की शक्कर मिल जाए। मैं शिक्षा के दूध का विरोध नहीं हूँ, मजे थी मेरे साधु को मैं अनपढ़ थोड़ा रखूँगा, पढ़ाऊँगा ना,
मगर शिक्षा के दूध में संस्कार की शक्कर होगी, दूध मीठा बनेगा, पीने का मन होगा। अभी आपने बात करी ब्रिटेन की, जैसे कि देशों के आप तो नेगेटिव पॉइंट्स पर बात करके वहाँ इस तरह गलत चीज़ें हुई। अभी कुछ दिन पहले अखबार में हमने पढ़ा था कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पर 12वीं तक के स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ पर मोबाइल बैन हुए हैं स्कूलों में। हम भी तो कर सकते हैं, हमारे यहाँ हम भी कर सकते हैं। मैं नंदवी जिला में जाके वहाँ कॉलेजों में प्रवचन करें, वहाँ हर कॉलेज में यहाँ सरकार स्मार्टफोन बांट रही है, हर कॉलेज में बैन है, सरकार मोबाइल बांटती है। सर एक बार बताओ, मैंने पहला बता दिया ना कि मेरे प्रयास को जो सपोर्ट मिलना चाहिए ना आप सबका देखें सभी का, वो नहीं मिल रहा है। सोनिया गांधी ने जब मुझे पूछा, मैं एट प्रेजेंट की बात, वो आप पार्थिव बात मत समझना, यूनिवर्सल बात नहीं, आपको लगता है कि मैं 10 साल पहले की बात करना चाहता हूँ, मगर वो 10 साल पहले, एक बार बताऊँ, दो और दूर चार 50 साल के पहले होता है ना, वो भी आज ही होता है। आप इनको ये बोलो कि आप माना से पास्ट की बात करते हो, तो मैं बात जो करता हूँ इंडिविजुअल ट्रूथ की नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ दुर्जन सज्जन बन जाए नंबर एक, दुर्जन सज्जन बन जाए नंबर एक, और सज्जन संगठित बन जाए नंबर दो। आज सज्जन बोलते अनार के दाने हैं, जैसे तुम खोलो हर सज्जन अलग हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ लड्डू जैसे बन जाए, एक सज्जन दूसरे सज्जन के साथ कनेक्टेड हो। दुर्जन सज्जन बन जाए, सज्जन संगठित बन जाए, और संगठित सज्जन सक्रिय बन जाए, तीन इच्छा है मेरी। नंबर वन दुर्जन सज्जन बन जाए, सज्जन संगठित बन जाए, चाहे मुस्लिम समाज, चाहे जैन समाज, चाहे क्रिश्चियन समाज, जहाँ जहाँ भी सज्जन हो वहीं इन सभी की यूनिटी बन जाए, और संगठित बने हुए सज्जन कहीं भी गलत होता है वहाँ सक्रिय बन जाए। दैट्स ऑल हमारा कुछ। मैंने HRD मिनिस्टर को एक बात रखी थी कि 1 से 5 क्लास तक पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस आप मुझे बनाने का दो, मैं आपको बना सकता हूँ। नहीं, इनका सवाल ये है, हमारे यहाँ हमारा जो उज्जैन आगदा है इसमें आपके माध्यम से कोई प्रकल्प शुरू किया जाए, ऐसा जो एजुकेशन सोचे आप अगर यहाँ से इस क्षेत्र में अगर आप एजुकेशन या हेल्थ को लेकर आपकी तरफ से कोई प्रकल्प यहाँ शुरू किया जाए। मैं तो क्या कहना, अभी एक बात बताऊँ आपको कि किसी भी चीज को डैमेज करने वाली चीज है तो मुझे रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि मैं चाहता हूँ कि तम्बाकू से कैंसर होता है तो तम्बाकू को प्रोडक्ट को बैन करना मुझे कौन रोकता है? वहाँ बात आएगी इच्छा शक्ति। इफ यू विश यू कैन डू एवरीथिंग, इन लोगों के पास इतनी बड़ी ताकत लेकर के बैठे हैं, बस सिर्फ इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्रिया शक्ति तो उन लोगों के पास आएगी। तो मैं चाहता हूँ, आज आया हूँ MP में 14 साल के बाद, आईशियल ट्राई में बेस्ट, आप सबका सपोर्ट है मुझे, फिर डरना क्या है? इच्छा शक्ति का अभाव शासकों में इच्छा शक्ति का अभाव है, अभाव नहीं है, अल्प इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति दो प्रकार की, वन इज द डिजायर, सेकंड इज द बर्निंग डिजायर। वन इज द डिजायर, आई विश, मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, आप पानी के प्यासे हो, पानी की प्यास लगी, आप घर में गए, आपकी इच्छा शक्ति थी पानी पीने की, सोफा सेट पर बैठे और आपने TV में सीरियल देखी, आप पानी भूल गए, आपकी पानी की इच्छा थी मगर जैसे सीरियल आई आप पानी भूल गए, इट वॉज द डिजायर। एंड नाउ आई वुड लाइक टू से, आप रेगिस्तान में गए थे, आपके पैर गर्म थे, सर गर्म था, पानी की प्यास लगी थी, उस टाइम किसी ने आपको कहा 1 लाख रुपये का ऑर्डर दे सकता हूँ, आप बोलेंगे पहले पानी लाओ, लाख के ऑर्डर की बात पूछना, दिस इज द बर्निंग डिजायर। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड बर्निंग डिजायर। शासकों के पास इच्छा शक्ति का अभाव है ये मैं नहीं कहूँगा, मगर मे बी पॉसिबल बर्निंग डिजायर नहीं, डिजायर निश्चित है मगर बर्निंग डिजायर जो होनी चाहिए कि उसी सब्जेक्ट को लेकर कोई बात मेरे सामने मत करो, पहले पानी लाओ फिर बात करूँगा सर, ये जो होना चाहिए, यदि ये आ गया तो बात पूरी खत्म हो सकती है। गुरु जी, आप देश के मीडिया के बारे में क्या नजरिया आपका, उसके बारे में आपने बताया तो मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया उनको दे आर गिविंग द राइट न्यूज़ बट नॉट गुड न्यूज़। राइट न्यूज़ देने में आपकी जितनी इच्छा है इतनी गुड न्यूज़ देने में आपकी इच्छा नहीं। ये कहा कि मीडिया कहीं भटक रहा है, वही तो, और उसको लेकर के मैं आपको एक ही बात बताऊँ, मैंने मीडिया को लेकर किताब लिखी थी, पवन
तो अपनी दिशा बदल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नागदा में कहीं गटर है, गटरी दुर्गंध है, उनकी पूरी दुर्गंध को नागदा में ले जाने का काम कौन करेगा? गटर नहीं करेगी, पवन करेगा। यदि पवन वहाँ गया तो पूरी नागदा में गटर की दुर्गंध फैला देगी। और किसी बगीचा में गुलाब का पौधा है, सुवास तो वहाँ ही है, मगर वो सुवास को पूरे नागदा में ले जाने का काम कौन करेगा? पवन करेगा। ये है मीडिया की ताकत। पवन ही है, पवन भाई है, जो भी है। मगर मैं तो ये कहूँगा, मैंने ये किताब लिखी है, पवन तो अपनी दिशा बदल दे। और लास्ट बात बताऊँ, छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी बात, मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, एजुकेशन की इस मुहिम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हो तो दिल्ली के मीडिया, सबसे ज़्यादा, एक भी रुपया दिए बिना। मैं आपको चमत्कार की बात बताना चाहता हूँ, जब ये एजुकेशन की बात आई, मीडिया वाले ने मुझे ये कहा था, माना सर सुप्रीम में यदि आप पीएल दाखिल करते हो, हम एक एक पत्रकार आपको 50,000 रुपया देंगे। तीन सालों मेरे पास तो पैसा नहीं था। और ये क्यों हुआ मालूम है? आप शायद एजुकेशन में बताना चाहता हूँ, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसलिए किस तबाही से देश बच गए ना, आपको पता नहीं। मैं निश्चित कहूँगा, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ इसलिए आपको पता नहीं कि तबाही क्या होने वाली थी। एक ही एक ओनली वन लेसन आपको बताऊँ, छठी क्लास में वो लेसन था कि टीचर किसी लड़की को खड़ा करके बोलेंगे तू नेकेट हो जा। छठी क्लास में वो लड़की नेकेट हो जाएगी, टीचर सब क्लास छात्रों के बीच में एक लड़की की आंख पर पट्टी बांधेगी, पट्टी बांध के वो नेकेट लड़की के पास जाके टीचर उनको बोलेंगे यू टच ऑन द एवरी स्पेयर पार्ट, ये लड़का टच करेगा, फिर उनको पूछेगा कि तुझे क्या फील होता है। ये था एजुकेशन, तुम ये इनकी ब्रीफ लेते हो। कई लोग मेरे खिलाफ थे कि साधु बाबा क्या लेकर के बैठे, मैं सच बताना चाहता हूँ, मुझे कई लोगों ने पूछा था। आपको बताऊँ क्या पूछा था, कि माना साहब आपने शादी नहीं की, माने जेलसी तो नहीं ना? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, पूछ सकते हो तुम कोई भी।